वेलकम टू स्टडी ट्वेंटी उदयपुर आज के इस वीडियो में हम बीस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आज का हमारा नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए अभी कथन हमको क्या दे रखा है अल्पाधिकार बाजार में मूल्य अनम्यता होती है ठीक है जो ओलिगोपोली मार्केट होता है उसमें प्राइस रिजिडिटी होती है बिल्कुल सही है ठीक है जैसा कि हम इसका डायग्राम अगर हम देखें मांग वक्र जो अनिश्चित होता है इसका ऊपरी भाग इलास्टिक होता है ग्रेटर देन वन इकाई से अधिक होता है लोजदार हम कह सकते हैं और नीचे वाला जो भाग होता है वो एक तरह से क्या होता है बेलोजदार ठीक है जो एक तरह से किसको दर्शाता है प्राइस रिजिडिटी को कीमत स्थिरता पाई जाती है तो पहला कथन यहाँ पे आपका सही है दूसरा है स्पर्धी फर्म में मूल्य वृद्धि का अनुसरण न करके मूल्य गिरावट का अनुसरण करती हैं अल्पाधिकार बाजार में यदि कोई एक फर्म अपनी वस्तु की कीमत बढ़ाती है तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरी फर्म में भी वस्तु की कीमत को बढ़ाए मतलब कीमत वृद्धि का वो अनुसरण नहीं करती हैं लेकिन यदि कोई एक फर्म अगर वस्तु की कीमत में कमी करती है तो जो दूसरी फर्में हैं वो भी क्या करेगी अपनी वस्तु की कीमत में कमी करेगी तो यह अनुसरण करेगी वस्तु की कीमत में कमी का अनुसरण करती है तो यहां पे दोनों कथन सही हैं और व्याख्या जो की गई वो सही है इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अगला देखिए अल्पकालीन अवधि में एकाधिकारी और एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा दोनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में अगर हम देखें अल्पकालीन समय में तो वस्तु की जो कीमत होती है वो उसकी सीमांत आय से ज्यादा होती है ठीक है मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होगी ठीक है इसका आप डायग्राम अगर देखो ये हमारा सीमांत आगम तो वक्र होता है और ये ए आर वक्र होता है तो ये जो ए आर वक्र है वो किसको दर्शाता है वस्तु की कीमत को दर्शाता है और ए आर वक्र एम आर वक्र से ऊपर की तरफ होता है इसका मतलब क्या हो गया ए आर एम आर से ज्यादा होता है या कीमत सीमांत आगम से अधिक होती है तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अगला देखिए अल्पाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कुरनों का संतुलन एक नेश संतुलन है और दूसरा स्टेकल बर्गर संतुलन एक नेश संतुलन है तो यहां पर अगर हम देखें तो दोनों कथन एक तरह से सही होने चाहिए ठीक है एक तरह से ये जो नेश संतुलन ने है वो एक तरह से क्या है नॉन कोऑपरेटिव गेम होता है और उसमें प्रत्येक जो खिलाड़ी होता है उसके पास में जो भी ऑप्शन दे रखे होते हैं उनमें से उसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा उसको देख के वो एक तरह से क्या करता है डिसीजन लेता है मतलब एक खिलाड़ी जो डिसीजन लेगा उसमें दूसरे जो खिलाड़ी होते हैं उसके जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनके क्या डिसीजन हो सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक तरह से वो क्या करेगा अपना निर्णय लेगा तो यहां पे ऑप्शन शायद सी होना चाहिए पहला और दूसरा दोनों सही हैं नेक्स्ट है, है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण प्रतियोगिता के लिए सही नहीं है कीमत जो होती है वो दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर होगी बिल्कुल सही लग रहा है दीर्घकालीन अवधि में में औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करेगी ये भी सही है में सामान्य लाभ अर्जित करती है ठीक है कीमत जो होती है वो औसत लागत के बराबर होती है मतलब ए आर बराबर ए सी होता है दीर्घ काल में तो ये भी सही है फिर एक वस्तु के लिए बाजार मांग वक्र एक्स अक्ष के प्रति क्षेत्र होता है ठीक है इस तरीके से ये गलत यहां है यहाँ पे ध्यान रखिए कि बाजार मांग वक्र पूछा हुआ है ठीक है बाजार मांग वक्र जो होता है वो एक्स अक्ष के क्षेत्रीज नहीं होगा पेरेल नहीं होगा ठीक है फर्म का मांग वक्र होता है वो एक्स अक्ष के प्रति क्षेत्रीज होता है यहाँ पे बाजार मांग वक्र है ठीक है इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बी अगला है एक एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में एक फर्म निम्नलिखित में से किस लिए विज्ञापन करती है एडवर्टाइजमेंट करती हैं वो एक तरह से क्यों करती हैं उसका उद्देश्य क्या होता है एक तरह से कि वस्तु की मांग की लोज जो ज्यादा होती है उसको एक तरह से कम करने के लिए ताकि उसकी वस्तु एक तरह से बाजार में ज्यादा से ज्यादा बिके तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए आपका सी अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं कुर्नो के द्वि मॉडल से संबंधित हैं इसके द्वारा द्वि को निर्णय और स्थायी संतुलन प्राप्त होता है यह एक नेश संतुलन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है तीसरा यदि द्वि मिलकर एकाधिकार बनाते हैं तो उनके द्वारा कीमत में परिवर्तन उनके एक साथ मिले बिना संतुलन कीमत से कम होता है तो यहाँ पे देखिए जो स्थाई संतुलन प्राप्त होता है यह सही होना चाहिए कुरनों का ठीक है प्रत्येक फर्म का कितना उत्पादन होगा उसके बारे में बताता है और नेश संतुलन को भी दर्शाता है तो पहला और दूसरा कथन यहाँ पे सही है इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा सी अगला है विभेदकारी एकाधिकार डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के अंतर्गत यदि बाजार एक में मांग की लोच कितनी है दो है जो इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी है 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 पहले बाजार बाजार में वो कितनी कितनी के बराबर हैं। और बाजार दो जो हैं, उसमें इलास्टिस ठीक है एक। ये फर्स्ट बाजार में है और ये सेकंड बाजार में है तब एकाधिकारी का मूल्य व्यवहार होगा तो देखिए जो एकाधिकारी है वो किस बाजार में कीमत ज्यादा वसूलेगा जिसमें मांग की लोच छम है तो जो द्वितीय बाजार है सेकंड बाजार उसमें मांग की लोच पहले की तुलना में कम है इसलिए बाजार दूसरे से वो क्या करेगा कीमत अपनी वस्तु की ज्यादा रखेगा तो आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन बी बाजार दो में उच्चतर कीमत लेना अगला है एकाधिकारी बाजार में दीर्घावधि संतुलन के संबंध में निम्न कथनों को विचार करना है फर्म न लाभ न हानि देखिए एकाधिकारी बाजार में अच्छा एकाधिकारिक बाजार यहाँ पे हो गया आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है ये तो इसमें दीर्घ काल में सामान्य लाभ मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट जिसको हम न लाभ न कह सकते हैं और फर्मों का प्रवेश अथवा निकास नहीं है दोनों कथन यहाँ पे सही होना चाहिए ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ठीक है यहाँ पे ध्यान रखिए अगर बाजार कौन सा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बाजार है तब ऐसा होगा अगर यहाँ पे मोनोपोली मार्केट होता तो मोनोपोली मार्केट में क्या होता है दीर्घ काल में अतिरिक्त लाभ मिलेगा एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा और उसमें भी फर्मो का प्रवेश निकास नहीं होता है तो केवल आपका दूसरा कथन उसमें सही होगा अगर मोनोपोली मार्केट है तो अगर इसका अर्थ मोनोपोलिस्टिक है तो आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे अगला है निम्नांकित में से किस बाजार स्थित स्वरूप में फर्मे अपने लाभ का महत्मीकरण कर पाती हैं यह आपका हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा बाजार में अगला है एक विभेदात्मक एकाधिकारवादी डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली बाजार में उच्चतर मूल्य आरोपित करेगा जिसमें अभी हमने देखा था किस बाजार में वस्तु की कीमत ज्यादा होगी जहां पे मांग की लोच कम होगी ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी अगला है एक भेदभावपूर्ण एकाधिकारवाद ठीक है इसी को हम डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली कहेंगे उस बाजार में कम मूल्य आरोपित करेगा देखिए कम मूल्य किसमें लेगा जिसमें मांग की लोच ज्यादा है और ज्यादा कीमत किसमें वसूलेगा लेगा जिसमें मांग की लोच एक तरह से क्या है कम है निम्नलिखित में से किस बाजार स्वरूप के समूह पर वस्तु विभेद लागू होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या प्रोडक्ट डिफरेंस जो है कहां पे लागू होता है वस्तु विभेद या उत्पाद विभेद जिसको हम कह सकते हैं तो ये आपका होता है अल्पाधिकार बाजार में ओलिगोपोली मार्केट में हो सकता है मुख्य रूप से हम देखें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है एकाधिकारी प्रतियोगिता में तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी होना चाहिए फिर अगला देखिए निम्नलिखित बाजार स्थितियों में से किस एक में फर्मे उत्पादन और कीमत निर्धारण में पारस्परिक रूप से निर्भर होती हैं अल्पाधिकार बाजार में ठीक है ओलिगोपोली मार्केट में फर्में क्या करती है अपने जो भी डिसीजन होती है वो दूसरों को देख के रखती है दूसरों को ध्यान में रख के करेगी निम्नलिखित बाजारों में से किसमें विज्ञापन आम बात होती है एडवर्टाइजमेंट जो होता है एक तो होता है ओलिगोपोली मार्केट में और दूसरा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार में विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती है तो यहाँ पे आप ऑप्शन आपका हो जाएगा ए अगला है एकाधिकार वाली प्रतिस्पर्धा में निम्नांकित में से कौन सी शर्त दीर्घकालीन साम्य का समर्थन करती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में संतुलन के लिए क्या जरूरी है एम और एम बराबर होना चाहिए और फिर दीर्घ काल में गरम देखें संतुलन क्या होगा सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या होता है ए आर बराबर ए सी तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए अगला है एजवर्थ जियोपोली मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इसमें प्रतिस्पर्धी का उत्पाद निर्णय दिया गया है उत्पाद निर्णय जो है प्रतिद्वंदी का वो स्थिर माना जाता है कुरनो मॉडल में एजवर्थ का जो मॉडल है उसमें जो प्रतिद्वंदी होता है उसके कीमत मूल्य निर्णय को एक तरह से दिया हुआ माना जाता है तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है और मूल्य कठोरता की व्याख्या करता है दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा सी अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्पर्धा की एक विशेषता नहीं है प्रतिस्पर्धा बाजार में क्या होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्रेताओं को विक्रेताओं को बाजार के बारे में पूरी जानकारी होती है नए फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश होता है फ्री एंट्री होती है निशुल्क परिवहन होता है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी होना चाहिए अगला देखिए अभी कथन ए है एकाधिकारी के लिए आपूर्ति वक्र की अवधारणा कोई अर्थ नहीं रखती है मोनोपोली के लिए कोई सप्लाई होता है बिल्कुल सही है एकाधिकारी घन मूल्य निर्धारक होते हैं और विभिन्न कीमतों पर वे क्या उत्पादन करेंगे यह पूछना कोई मायने नहीं रखता है तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं ऑप्शन आपका ए अगला है कीमत निर्धारण की स्वार्थ चलित नीति किस लिए बनाई जाती है उनके जो भी कंपिटिटर होते हैं उनको बाजार से बाहर करने के लिए ऑप्शन आपका इसमें ए होगा अगला है अल्पाधिकार मॉडल जिसमें व्यवसाय कल्पना करता है कि उसके प्रतिस्पर्धी का उत्पादन स्थिर है और फिर निर्णय करता है कि कितना उत्पादन करें क्या उत्पादन करें तो देखिए जो प्रतिद्वंदी का उत्पादन है उसको स्थिर माना गया है कुर्नो के अल्पाधिकार मॉडल में और एजवर्थ के जो मॉडल है एजवर्थ का उसमें एक तरह से प्रतिद्वंदी जो प्रतिस्पर्धी उसकी कीमत को स्थिर माना गया है अगला है गेम थ्योरी के अनुसार यदि विज्ञापन में वृद्धि लागतों को आय से ज्यादा बढ़ा देती है लागत जो होती है ठीक है अगर विज्ञापन करती है में विज्ञापन बढ़ने से जो लागत है वो ज्यादा बढ़ जाती है आय की तुलना में तो इससे दोनों फर्मों के लाभ कम हो जाते हैं तो इस प्रकार के खेल को हम क्या कहेंगे ऋणात्मक ऋणात्मक योग खेल कहा जाएगा उसको ठीक है ऑप्शन आपका डी होगा इसमें